हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम गेस्ट रिलेशन पढ़ेंगे, किसके अंदर? सी अर्चिन के अंदर। तो ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आते हैं आपके CSIR नेट लाइफ साइंसेज के एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सी अर्चिन जो होता है, इसके अंदर रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज आपको देखने को मिलती है। ये किस टाइप की क्लीवेज है वो आपको यहाँ डायग्रामेटिकली देखने को मिल रही होगी। इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे सेल जो है डिवाइड करता है, उसके बाद दो सेल्स बनते हैं, दो भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, बाकी चार सेल्स जब बन जाते हैं तो वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं, और फोर ऊपर फोर नीचे दो टाइप के आठ सेल्स टोटल बनते हैं। एक ऊपर वाला जो होता है उसे एनिमल हाफ बोला जाता है, और दूसरा पोल जो होता है उसे वेजिटल पोल बोला जाता है। दोनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ सेल्स दिख रहे होंगे। ये सेल्स एक्चुअली सेम साइज के नहीं होते हैं। एनिमल हाफ पे जो भी आपको सेल्स दिखते हैं वो चार होते हैं, एंड वो मीजोमियर्स कहलाए जाते हैं, यानी वो ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। बट जो वेजिटल पोल होता है उसके अंदर जो चार सेल्स हैं उनमें से दो छोटे होते हैं जिन्हें माइक्रोमियर बोला जाता है, एंड दो बड़े होते हैं जिन्हें मैक्रोमियर बोला जाता है। ये आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये सेल्स एक्चुअल में दिखते हैं। तो टोटल आप देख सकते हो आठ सेल्स हैं, चार इंटरमीडिएट साइज के, दो सबसे छोटे और दो सबसे बड़े। यहाँ पे जो भी क्लीवेज होती है यानी डिविजन होती है, जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, ये क्लीवेज होती है टिल 128 सेल स्टेज, मतलब जब तक 128 सेल्स नहीं बन जाते तब तक ये डिवीजन चलती रहती है। जो 128 सेल की स्टेज बनती है उसे ब्लास्टुला बोला जाता है, एंड ब्लास्टुला के अंदर एक होलो एरिया होता है जिसे ब्लास्टोसील बोला जाता है। इन सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे जो लार्वा बनता है उसे प्लूटियस लार्वा बोला जाता है। तो सी अर्चिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ प्लूटियस लार्वा। ये सेल्स की डिवीजन किस तरीके से होती है वो आपको यहाँ अच्छे से दिख रही होगी। ये इमेज गिलबर्ट के 8th एडिशन की बुक से ली गई है, तो आप वो उसे रेफर कर सकते हो इस पूरी चीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए। आप देख सकते हो कि एक सेल आपके पास इनिशियली था, उसमें इस तरीके से डिवीजन होगी। ये इसका एनिमल पोल है, एंड दूसरा वाला पोल आपको लिखा हुआ है वेजिटल पोल। तो ये दोनों पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से डिवीजन होती है, दो सेल्स बनते हैं, ये दो सेल्स फिर से इसी तरीके से लॉन्ग एक्सिस पे डिवाइड करते हैं, चार सेल्स बनते हैं जो कि ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे, और एनिमल हाफ पे इस तरीके से चार सेल्स, एंड वेजिटल हाफ पे भी चार सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। बट दी प्रेजेंस ऑफ मीजोमियर्स कैन ओनली बी सीन इन द एनिमल हाफ। माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे वेजिटल हाफ में देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से ये फर्दर डिविजन शो करते हैं, और इस तरीके से एनिमल पोल पे दो तरीके के सेल्स एंड वेजिटल पोल पे भी दो तरीके के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द 128 सेल स्टेज जिसकी मैं बात कर रही थी। क्या क्या स्टेप्स होते हैं सी अर्चिन के गैस्ट्रुलेशन में? तो दो मेजर स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट होता है जिसके अंदर इंग्रेशन होता है। इंग्रेशन क्या है ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ आप इतना जान सकते हो कि एक टाइप की इनवेजिनेशन है। तो इंग्रेशन होता है प्राइमरी मेसेनकाइम का, एंड वेजिटल पोल के जो सेल्स होते हैं वो फिलिपोडिया शो करते हैं। फिलिपोडिया बेसिकली सीलिया लाइक हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। एंड सेकेंड स्टेप जो होता है वो आर्किनट्रॉन की फॉर्मेशन होती है या इन्वेजिनेशन होती है, जिसे हम प्रिमिटिव गट भी बोलते हैं। तो जो भी ये इन्वेजिनेशन देखने को मिलती है ये ब्लास्टोसील के साइड होती है। इसकी वजह से आर्किनट्रॉन यानी प्रिमिटिव गट डेवलप होता है और एक ओपनिंग बनती है जिसे ब्लास्टोपोर बोला जाता है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। आर्किनट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है बाद में जाके एक लॉन्ग थिन गट ट्यूब बनाने के लिए, जो गट बनाएगा बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म का। एंड जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आगे जाके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सिंपल सा गैस्ट्रुलेशन था जो अभी हमने देखा, इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो अर्ली गैस्ट्रुलेशन में इस तरीके की इन्वेजिनेशन आपको देखने को मिली। स्टार्ट हुई थी ये फॉर्म होना, कम्प्लीट नहीं थी, बट लेटर ऑन ये कम्प्लीट हो गई और इस तरीके से इन्वेजिनेशन जो है वो आपको देखने को मिल रही है।
ये जो यहाँ पे पोर बन रहा है, जो कि यहाँ होल है, यही है जो ब्लास्टोपोर जो मैं आपको मेंशन कर रही थी, और ये है प्रिमिटिव गट, जो कि यहाँ पे आर्किन्ट्रॉन जो है वो फॉर्म होना शुरू होता है। तो आर्किन्ट्रॉन फिर लॉन्ग थिन एक गट फॉर्म होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, क्रॉस सेक्शनल व्यू में कुछ इस तरीके का हॉलो एरिया आपको देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने गैस्ट्रुलेशन सी अर्चिन में डिस्कस कर ली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।